क्या हो गया? क्या हो गया? चेकिंग के लिए कह भी दिया तो जैसे चेकिंग करने लगे तो वहाँ पर और परिवार वाले अड़ोसी पड़ोसी आ गए जिन्होंने इस चीज का विरोध किया। हाँ, सरकारी काम में बाधा डालना 186, 332, 353, 506, 34 जान से मारने की धमकी भी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिषद के अधीन आने वाले गांव सांप की नकली में दबंगों की दबंगई उस समय देखने को मिली जिस समय सोहना बिजली विभाग की टीम स्पेशल चेकिंग अभियान के तहत गांव में सूचना के आधार पर बिजली चोरी पकड़ने के लिए गांव में पहुंची। जैसे ही बिजली विभाग ने अपनी कार्यवाही शुरू की वैसे ही गांव के दबंगों ने बिजली विभाग की टीम के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया व उनके मोबाइल फोन सहित विभागीय जरूरी दस्तावेजों को भी छीन लिया। किसी तरह दबंगों के चंगुल से छूटकर अपनी जान बचाकर पुलिस थाने पहुंची बिजली विभाग की टीम ने पुलिस को आपबीती बताते हुए एक लिखित शिकायत। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक महिला सहित 8 लोगों के खिलाफ स्नैचिंग सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया। एसडीओ है डीएसपीयूएन विभाग से जो आज स्पेशल चेकिंग टीम के साथ गांव सांप की नंगली गया हुआ वहां पर उन्होंने फैमिली मेंबर को बता भी दिया कि भाई हमें आपके यहां से बिजली की शिकायत मिली हुई है जो हमने चेकिंग कर दी है। तो कुछ ने चेकिंग के लिए कह भी दिया तो जैसे चेकिंग करने लगे तो वहां पर और परिवार वाले अड़ोसी पड़ोसी आ गए जिन्होंने इस चीज का विरोध किया और जो वो वीडियो बना रहे थे उनका एक कर्मचारी था प्रतिराम जो ठेकेदारी बेस पे लगा हुआ है उसका उन्होंने मोबाइल भी छीन लिया और इनके साथ मारपीट भी की है। जो इन्होंने 112 पे कॉल की तो यहां से पुलिस टीम गई वहां पर उन्होंने बताया कि वैसे ऐसे हमारी इन्होंने 2 लेटर हेड बुक भी छीन ली है और मोबाइल। इनमें नरेश है और उसका लड़का है बुलेश रामपाल का, एक लेडीज है सुहा, आकाश, नीरज, सतबीर और रामपुर। इनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालना 186, 332, 353, 506, 34 जान से मारने की धमकी भी है और 379A मोबाइल छीनना, 135 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम गए थे, ये घर पर नहीं मिले। सोहना में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ना तो उन्हें पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं उसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि अपराधी किस तरह से कानून का मजाक ही नहीं उड़ा रहे बल्कि सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए कि चोरी पकड़ने के लिए गई बिजली विभाग की टीम पर ये महिला किस तरह से हाथों में लाठी लेकर हमला बोल रही है। ये हो गया, कोई दिक्कत ना जी? हाँ। कोई दिक्कत ना, अरे मिलने को आए हम तो भाजी ना, अभी ये वीडियो क्यों बना रहे हो? क्यों, क्या हो गया? किस बात क्या हो गया? वीडियो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वीडियो, हमने देख रहे हैं। चुप रहे मम्मी, चुप रहे मम्मी, चुप रहे जाओ, चुप रहे अम्मा जी, ये कोई अच्छी बात ना है। हम क्या कर रहे हैं बताओ, गलत कर रहे हैं क्या? कोई नहीं था। ये सारा खड़े लेडीज है, लेडीज है, कैसे घुसे? मैं पूछ रहा हूँ, आप मैं ये पूछ रहा हूँ, घुसे कैसे? क्यों उसके सकल में पूछ रहा हूँ, कौन खाना था? झूठ बोलते हो?
फालतू बोल रहा है, ज्यादा बात हो ना, निकल ज्यादा नहीं, तू भी मगर पूछे घर में नहीं मर सकता, ठीक है ना। हम बुलाते हैं, बुलाते बुलाते कैसे बढ़े, ये बढ़ाए कैसे बढ़ाए, एस डी ओ साहब है, ये एस डी ओ तो फिर क्या करी, कैसे घर में नहीं मर सकता, मेरा एस डी ओ तो मेरे घर में नहीं घुस सकता। चलो बिल कैसे, बिल है क्या, बिल भर रहे, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दिखा दो, ऐसे घर में नहीं घुस सकता, बाहर नहीं ना, पहले घर में यही खड़े यार, हम चोर है क्या, क्या हम चोर। तो देखा आपने कि किस तरह से कानून का मजाक बनाकर बिजली कर्मियों पर हमला बोला जा रहा है, यानी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत बिजली विभाग पर हमला करने वाले इन आरोपियों पर सटीक बैठ रही। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद घर से फरार बताए जा रहे हैं। अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।